क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम सीखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है, यानी आनुवंशिक रोग है जो 21वें क्रोमोसोम की अतिरिक्त प्रति 22 होते हैं, 22 जोड़ी एक्स एक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में, और फीमेल में भी 22 जोड़ी एक्स एक्स होते हैं, और 23वीं जोड़ी होती है फीमेल में एक्स एक्स और मेल में होती है एक्स और बाई। तो यहाँ पर ये रोग को समझिए ज़रा, सिस्टम क्या होता है रोग का। रोग का सिस्टम ये होता है कि जो 21वीं जोड़ी में एक्स एक्स गुणसूत्र हैं दोनों आते हैं, 23वीं जोड़ी में से एक माँ से आता है और एक पिता से आता है, और इसमें क्या होता है 22 जोड़ी में जो है उसमें से कुल मिलाकर के 22 गुणसूत्र आते हैं, यानी 22 जोड़ी में से एक एक माँ से और 22 जोड़ी में से एक एक पिता से, तो 22 और 22 44 हो गए, और 23वीं जोड़ी में एक माँ से और एक पिता से 44, तो दो ये हो गए, 46 गुणसूत्र कुल मनुष्य में होते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें त्रिसूत्रता लिखा है, 21वीं जोड़ी की ट्राइसोम यानी 21वीं जोड़ी से एक्स एक्स गुणसूत्र चले जाते हैं। अब जब एक गुणसूत्र 21वीं जोड़ी से एक्स्ट्रा गया है तो इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई 47, और जब 47 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है तो इस रोग को हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। और डाउन सिंड्रोम का अध्ययन लैंगडम डाउन ने किया था सबसे पहले 1866 में, इसलिए इनका नाम डाउन सिंड्रोम रखा गया है। रोगी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं? कद छोटा, गोल सिर होता है, जीभ में खांच होती है और मुंह थोड़ा सा खुला रहता है हमेशा, चौड़ी हथेली, अविलक्षणिक पाल्म की यानी बिल्कुल ऐसा होता है, माथा भी थोड़ा चौड़ा होता है। अब मन कैसा? थोड़ा सा साइटोमोटर होता है, साइकोमोटर यानी प्रेरक तरीके का, और मानसिक विकास जो है वो नहीं होता है, कमज़ोर होता है दिमाग से, तो इसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगला है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, अगला रोग है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये भी आनुवंशिक विकार है, आनुवंशिक विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम के अतिरिक्त प्रतिलिपि। इसमें क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम की एक और प्रतिलिपि चली जाती है, और जब एक और चली जाएगी तो 46 की बजाय 47 हो गए, एक्स एक्स बाई चला जाता है, ठीक है। वैसे 23वीं जोड़ी जो गुणसूत्र होता है व्यक्ति में वो एक्स बाई होता है, इसमें होता है 23वीं जोड़ी एक्स एक्स बाई। ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से पुरुष प्रधान होते हैं किंतु लक्षण इनके मादा जैसे होते हैं। आपने देखा होगा इन ऐसे व्यक्तियों के लक्षण मादा जैसे होते हैं लेकिन होते ये पुरुष हैं, तो गायनीकोमेटिव अर्थात स्त्री वक्ष का वर्धन होता है, इनके जो स्तन ग्रंथियाँ हैं वो बढ़ जाती हैं। देख लीजिए ये पुरुष है, ऊँचे कद का है और इसकी स्तन ग्रंथियाँ जो हैं वो बढ़ी हुई है फीमेल की तरह, तो ये ऐसे व्यक्ति जो हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित होते हैं। और ये व्यक्ति कैसे होते हैं? बांझ होते हैं, इनमें बांझपन होता है। और नेक्स्ट देखिए अगला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम भी एक आनुवंशिक विकार है, इस विकार का कारण एक्स क्रोमोसोम का अभाव। इसमें क्या होता है, 46 की जगह पर 45 क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स नहीं होता, एक्स जीरो हो जाएगा। ऐसी नारी ये नारियों होता है, बांझपन होती है, जिनमें अंडाशय अल्प विकसित होता है और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का अभाव होता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण मतलब जो है स्तन ग्रंथियाँ कम विकसित होंगी और अंडाशय भी कम विकसित होगा, सारी चीज़ें कम विकसित होंगी। तो ये जो हैं ऐसे व्यक्ति आपने देखे होंगे गाँव में अपने आसपास आते जाते, तो ये तीनों रोग हमने आपको बता दिए हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी टॉपिक